मैं गगनगिरी जी महाराज आत्मदर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। मन किसको कहते हैं? जिसके बारे में मनन किया जाता है, विचार किया जाता है, वही क्रिया को मन कहते हैं। जो मन चेतना का ही एक भाग कहा जावे, चेतना से ही ये मन चलता है, ये क्रिया संचालित होती रहती है, वही मन है। चित्त किसको कहते हैं? जो चीज में पुरानी स्मृतियों का संग्रह रहता है, जिसमें संस्कार संचित रहता है और उनको स्मरण करने से वहाँ एक पिक्चर की तरह जो पर्दे पे दिखाई देता है, वही चित्त कहा जावे। चित्त ये मन की गहराई का ही एक भाग है, मन का ही एक आयाम है। आत्मा किसको कहते हैं? आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, आत्मा का कोई आकार नहीं है, आत्मा का कोई रूप, गंध, स्वाद, परख नहीं है। आत्मा कभी मरता नहीं है और आत्मा कभी जन्मता नहीं है। आत्मा एक रेणु त्रेसरेणु का एक चैतन्य के रूप में समूह होता है। ये जो ध्यानी मानव हर दिन देखता है, जैसा शरीर वैसा ही आत्मा का आकार स्वरूप धारण होता है, जो कुदरती शक्ति का ही एक अंश है। रेणु त्रेसरेणु के एक कायमी समूह चैतन्य के रूप में होता है, वही आत्मा है, जो सामान्य रीति से सामान्य दृष्टि से दिखना असंभव है। शरीर क्या है? इस शरीर पंच तत्व वायु आकाश अग्नि जल पृथ्वी ये तत्वों से निर्मित माता के गर्भ में रेणु त्रेसरेणु के रूप में गठबंधन होकर एक शरीर का निर्माण विकास होकर जिसमें अदृश्य रूप में मन चित्त चैतन्य बुद्धि का निवास कुछ समय के लिए होता है, वही मानव शरीर कहा जाता है। बुद्धि क्या है? आपने जो देखा, जो अनुभवा, जो लिखा, जो सुना, आपने जो पढ़ा, वो सभी का विशेष विश्लेषण करके उनमें से कोई नई चीज़ बना देवे, वही बुद्धि का काम है, उसी को ही बुद्धि कहा जाती है। दूसरी एक बुद्धि छोटी होती है जो ये पंच तत्व का शरीर का संचालन करती रहती है। कुदरत ने ये सृष्टि का सर्जन क्यों किया? बहुत अति भारी और महत्व का ये सवाल है। अखिल ब्रह्मांड में एक नर शक्ति और एक नारी शक्ति दोनों घूम रही थी। दोनों को निरंजन निराकार से भी मानव जानते हैं, वही शिव शक्ति है, वही आद्य शक्ति और आद्य पुरुष से भी मानव जानते हैं। वो दोनों शक्ति जब एक रूप में होकर एक बहुत शक्तिशाली ज्योत के रूप में प्रकट हुई, जिसको मानव अखंड ज्योत से जानते हैं, यहाँ से ही अर्धनारीश्वर रूप शुरू होता है। वही ज्योत में से जो तिखारा अलग हुआ, जिनको हम मानव जीव या तो आत्मा के रूप में जानते हैं, वो अखंड ज्योत की शक्ति का परीक्षण करने के लिए ही ये सृष्टि का सर्जन हुआ है, जो आज मानवों के सामने दृश्यमान है कि वो शक्ति कितनी अदृश्य रूप में शक्तिशाली है। और वही ज्योत में से अलग हुआ तिखारा आज अपने निज शरीर में उपलब्ध है, वही आत्म तत्व है। हरिओम तत्सत।